हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्रेट पोस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपको करवा रहे हैं आरडी शर्मा बुक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से क्वेश्चन, जहां पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें दे रखा है 1 upon x minus 1, x minus 2 plus 1 upon x minus 2, x minus 3 plus 1 upon x minus 3, x minus 4 equal to 1 upon 6। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक बार तो इसको नीचे लिखेंगे। हम यू कैन सॉल्यूशन में कभी भी हम क्वेश्चन को लिखते हैं जो हमें दे रखा होता है, तो 1 upon x minus 1, x minus 2 plus 1 upon x minus 2, x minus 3 plus 1 upon x minus 3, x minus 4 equal to 1 upon 6। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर, ये हमारे पास एलसीएम है। एलसीएम सभी को निकालना आता है, और अगर आप एलसीएम में थोड़ा सा डाउटफुल होते हैं तो देखिए क्या करते हैं। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक तो ये दे रखा है, एक एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री ये दे रखा है, और एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, ये हमारे पास है। इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कम से कम दो जगह पे कोई कॉमन है उससे डिवाइड करते हैं। तो एक्स माइनस टू है, देखिए एक्स माइनस टू ले लेते हैं। एक्स माइनस टू यहाँ पे, यहां पर जाएगा एक्स माइनस वन, यहां पर बच जाएगा x माइनस थ्री, और यहां पर दोनों x माइनस थ्री एंड x माइनस फोर दोनों बचेंगे हमारे पास। अब एक से ज्यादा ले लेते हैं, x माइनस थ्री है यहां पर, इसको ले लेते हैं, x माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे, तो ये एज इट इज, यहां वन और यहां x माइनस फोर। अब ये आपस में कैंसिल नहीं होते, तो ये हो गया, इसका 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 और इसका, इन सभी का प्रोडक्ट वो एलसीएम आ जाएगा। और वही हमने लिखा है, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस फोर का प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे एलसीएम है। ओके, इसको इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। नाउ व्हाट टू बी रिटन, यहाँ पे क्या लिखा, x माइनस वन, x माइनस टू दोनों कैंसिल, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे x माइनस थ्री एंड x माइनस फोर प्लस, ये दोनों रह जाएंगे x माइनस वन और x माइनस फोर का प्रोडक्ट, x माइनस वन एंड x माइनस फोर प्लस x माइनस वन और x माइनस टू का प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। और राइट हैंड साइड हमारे पास है equal to 1 upon 6 as it is, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है, नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर 4 बन गई है, उलझ जाएगा क्वेश्चन, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्या मिलता है, यह आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, x प्लस है, x प्लस भी लगा के ऊपर, ये वाला x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एज इट इज, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस फोर इक्वल टू 1 upon 6। यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। आगे अब हम लाइक टर्म्स को सेट करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर थ्री टाइम्स है, इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x माइनस 12x माइनस 3x 7 5 12 और 3 माइनस 15x। ओके, अब कॉन्स्टेंट टर्म 12 16 टू 18 प्लस 18 अपॉन x माइनस 1 x माइनus 2 x माइनस 3 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 1 upon 6, सिंप्लीफाई होता जा रहा है। अब ऊपर इन तीनों टर्म्स में 3 कॉमन है, तो क्या देख सकते हैं, 3 इनसाइड x स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 6 अपॉन, अब यहां पर हमारे पास ऊपर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अब क्या हम ये चेक करते हैं कि इन चारों में से कितनी दो का प्रोडक्ट ये आ सकता है हमारे पास, यानी कि माइनस फाइव और 2 3 6 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है नीचे यही आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये वाली टर्म और ये वाली, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है। और x माइनस 1 और x माइनस 4 को अभी इसी फॉर्म में लिखा है कि प्रोडक्ट ले लिया कि कंफ्यूजन ना हो आपको, इन दोनों को रूपये छोड़ दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने कर लिया है और इक्वल टू 1/6 है, ठीक है। अब यहां पर ये जो ट्राइंगल है ये सेम है, कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल आउट। अब हमारे पास बच गया 3/, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए, ये तो सेम रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 6 3 18, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस 18 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट चाहिए माइनस 14 तो माइनस 7 प्लस 2, 7 2 जा 14, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, एक्स इन साइड एक्स माइनस 7 प्लस 2 इन साइड एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 7 0 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, फ्रॉम हियर एक्स इज 7 एंड एक्स इज माइनस 2, दीज आर द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू हैव लाइक्ड इट एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।